मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बर्नर बिल्ड चैनल को। आज हम करेंगे बैक और शोल्डर को साथ में ट्रेन। आपने सुना होगा बैक के साथ बाइसेप और शोल्डर के साथ ट्राइसेप या चेस्ट के साथ ट्राइसेप। आज हम करेंगे बैक एंड शोल्डर की, तो जल्दी से बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इससे पहले हमें वार्म अप करना है। वार्म अप में सबसे पहले क्योंकि हम बैक करने वाले हैं तो बैक को अपने स्ट्रेच करेंगे। तो बैक को स्ट्रेच करने का तरीका होता है आपका ऐसे करना और थोड़ा ज़्यादा अपने बट को जब हम थोड़ा सा अपोजिट साइड में खींचेंगे ऐसे तो क्या होगा कि अच्छे से स्ट्रेच होगा। आप भी कर पाएंगे जब आप ये चीज़ करेंगे तो फिर दोनों को ऐसे। अगर आपके पास ये वाला हैंडल नहीं है तो फिर आप नॉर्मल भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर अ बेटर स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब इन सब चीज़ों के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं। वो कुछ यू करते हैं भाई, ना ही तुम्हारा बैक ट्रेन हो रहा है ना ही तुम्हारा बाइसेप ट्रेन हो रहा है। तो सिंपली आपको जस्ट 15 डिग्री नीचे बैठना है, ये नहीं सिर्फ ये, ठीक। और आपको इसको नीचे की तरफ पुश करना है और कॉन्ट्रैक्शन को ही करना है अपने बैक। सही फॉर्म 12 रेप्स बेटर कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर्म। वन मोर नमः। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे दो सेट्स में और इतने में पंप अच्छा आ गया, मतलब फॉर्म ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। ये मेरा थर्ड एंड लास्ट सेट है और मैं फॉर्म को देखूँगा, मेरे को वेट से मतलब नहीं, मैंने पहले भी बोला है। सो वेट के साथ ना झूला झूल है और ना बता 15 डिग्री या रिवर्स ग्रिप पेंट ओवर हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है। तो आपकी ग्रिप ऐसी होनी चाहिए और आपको कुछ यूज होता है, आप चाहे तो बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वेट थोड़ा मेरे लिए अभी काफ़ी लाइट है तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा। आपको इतना करना है एंड फॉर्म आपका दे। वन टू थ्री फोर आप एक न्यू पोज करेंगे उसको आपको एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स होल्ड करना पड़ेगा। जब भी इस चीज़ को आप लगाएं तो आपका जहाँ हाथ जो है वो एल्बो आपकी थोड़ी सी बाहर आउट होनी चाहिए और लैट्स आपके इंगेज होनी चाहिए और आपको बेटर कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ होल्ड करना है। होल्ड इसको यूज़ करिए, इसको नीचे लिख दीजिए। अब स्टार्ट होगा हमारा सेकेंड सेट और मैंने प्लेट्स थोड़े से बढ़ाए हैं, पहले 10 था अब पूरा मिला के 50 हुआ, सो थोड़ा वेट इंक्रीज हुआ है। Yeah.
ओवर इसको बोलते हैं, ठीक है। 60 केजीज इस बार तो छोटा है, बार वेट भी हालांकि 20 केजीज के अराउंड है। सो विथ फॉर्म करने की ट्राई करूँगा, थोड़ा बहुत जम जाएगा बट मैंने अपने लोअर बैक को सही रखना है। तो तमाम आप जरूरी नहीं कितना वेट लगाएं, थोड़ा कम लगा के भी कर सकते बट आपको उस वेट को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो चूंकि थर्ड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और ये एक तरीके का रोज है, सीटेड रोज होती है, बस आपका जो डिस्टेंस होता है ये उपयोग करते हैं। और जैसा कि आपको शायद पता होगा जब भी हम क्लोज पकड़ते हैं, क्लोज पकड़ने से क्या होता है कि जो हमारा आउटर एरिया होता है बैक का आउटर साइड वो रेड होता है, और जब हमारा चौड़ा हम यूज़ करते हैं ग्रिप तो हमारा इनर बैक ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको कहते हैं अक्सर ये लोग करते हैं। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं भाई, कम करो, कम रेप्स करो बट क्वालिटी रेप्स निकालो, हमेशा क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्वालिटी कैसे अच्छी बनेगी, जब हम अपने बैक को इंगेज करेंगे एंड अपने बैक साइड को खींचेंगे और अपनी नाभि के पास बेली बटन के पास आपको टच करना है और बिल्कुल स्लोली आपको ऐसे जाना है। सो 1, 2, 3, 6 इधर जाके थोड़ा होल्ड करना है एंड देन आपको 7 होल्ड इट एंड 8 होल्ड इट एंड 11 एंड 12 और ऐसे ही सेकंड थर्ड तक जाएंगे और 12 रेप्स करेंगे और 12 टू 15 के बीच में 10 टू 15 के बीच में आप रेप्स कर सकते हैं। बस हाँ एक चीज़ ध्यान में है, वेट्स का आपको ज़्यादा नहीं लगाना है जब तक आप क्वालिटी रेप्स नहीं लगाते, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड सेट। 12, hold it. Go on. So, third and last set, seated rows के, और make sure मैं थोड़ा सा weight ज़्यादा मैंने बढ़ाया है, so हमेशा मैं increasing order में ही use करता हूँ। अगर मेरे 12 reps नहीं होते हैं, suppose मेरे 8 reps हुए हैं, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा weight को drop कर लेता हूँ और reps को अपने 12 पूरे complete कर लेता हूँ। That's it. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ड्रॉप से किसी को बोलते हैं, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. जल्दी ही दिसंबर में मेरा कॉम्पिटिशन है और मैं रहूँगा शेरू क्लासिक के स्टेज पे मेंस फिजिक। अब बारी है डंबल रोज की, जो कि हमारा सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। और डंबल रोज करेंगे हम 3 सेट्स, और डंबल रोज में मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा सिंगल हैंड नहीं यूज़ करता हूँ, मैं दोनों को साथ में करता हूँ। सो शो यू कि मेरे फॉर्म क्या हो रहा है, और सबसे ज़्यादा फॉर्म ही मैटर करते हैं। आपको सबसे पहले तो खड़े होने हैं 2 डंबल्स को लेके, ज़रूरी नहीं है वेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले बोला बार बार बोलूँगा और अब नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो आपको कुछ यूं डालना है नीचे, ठीक है।
ठीक है, और आपकी जो चेस्ट है वो हमेशा अप होता है एंड देन आपको झुकना है। सो 1, 2, 3, 11 and 12। सो आपने देखा होगा कि मैं जब झुका था मैंने अपने रेप्स को यू यू नहीं किया, मतलब मैंने मसल माइंड कनेक्शन हमेशा अपने बैक से जुड़े रखा। उस मसल माइंड कनेक्शन की वजह से ही मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है। अगर मैं ऐसे गया जब तक इस बैक को इंगेज करके मैं ऐसे नहीं आया तब तक यहाँ पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें थोड़ा हैवी जा सकते हैं बट मेक श्योर आपका थोड़ा फॉर्म बेटर होना चाहिए। मिलते हैं आपको सेकेंड सेट। तो हमारा जो सेकेंड सेट है वो है 15 केजीज के साथ साथ और 12 रेप्स पूरा निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं एंड देन इसको ऐसे करके उठ जाना है। ऐसे क्या होगा लोअर बैक पे आपको ज़रा भी टेंशन नहीं होगा। सो प्रॉपर चेस्ट अप एंड देन स्लोली डाउन एंड 1, 2, 3, 4, 7, 12 Hold, then release. अब आती है बारी पोजिंग। पोजिंग में आप नॉर्मली ऐसे फ्लेक्स कर सकते हैं एंड देन होल्ड इट फॉर जस्ट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। तो अब फॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 12 So, 12 reps complete हो चुके हैं। जब आप भी एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे आपका भी पंप बहुत ही बेटर रहेगा। बस अपनी मसल्स को यूज करना वेट्स को उठाने के लिए और ये है कुछ ऐसा है। सो अब रोप से हम करेंगे पुल डाउन स्ट्रेट आर्म के साथ, ठीक है। सो मेरे पीछे से दिखाना शुरू करो और जब भी इसको खींच रहे हैं तो ऐसे यूं खींच रहे हैं स्ट्रेट आर्म के साथ साथ और अपने बैक में कॉन्ट्रैक्शन को इससे फील कर रहे हैं। 12 रेप्स 4 सेट्स 2, 3, 4, 5 and 12 देखा होगा कि मैं अपने बैक को एंगेज रख रहा हूँ और बैक से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे बैक कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो रहा है, ठीक है। सो 2 सेट हो चुके हैं, 2 सेट और बाकी है। 2 3
थ्री फिलहाल में मेरी ये है बिजी, क्योंकि मैंने फिलहाल के लिए कटिंग अभी बंद कर दी है कटिंग करना, क्योंकि जो कंपटीशन है फिलहाल में दिसंबर में है। सो जब मैं मसल मास अच्छा कैरी कर लूँगा देन मैं कटिंग करूँगा। सो तब तक के लिए फिर भी मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ, जस्ट आप देख रहे होंगे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हिस्सा दिख रहा है ठीक है, ये हिस्सा बिल्कुल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड देन रिलीज होगा, ये होता है ठीक है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपका पंप टिकाने के लिए, मसल को मैच्योर करने के लिए पोजिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ही एक्सरसाइज ही भी इम्पोर्टेंट है ठीक है। अब बैक क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने शोल्डर को ट्रेन करना ठीक है, जिसमें ट्रैप मिलते हैं शोल्डर एक्सरसाइज पे। तो अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपने डेल्ट्स को ट्रेन करना, क्योंकि जो हमारे रियर डेल्ट है डेल्ट है थोड़ा बैक से अटैच मसल है, तो इसलिए हम आज शोल्डर के साथ बैक को ट्रेन कर रहे हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम कुछ लैटरल रेजेस हो गए, आपको फ्रंट रेजेस के साथ में ही करना है। वन थ्री फोर फाइव एंड अब आपको तुरंत मेरा डंबल्स को छोड़े ये करना है। वन टू थ्री सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, हमने तीनों मसल्स को टारगेट कर लिया, फ्रंट को भी मिडिल को भी और रेयर को भी ठीक है। अब दूसरे डंबल्स पे जाते हैं 7.5। शोल्डर हमेशा आइसोलेशन वर्कआउट पे अच्छा वर्क करती है, सो इसमें ज़्यादा हैवी डंबल्स को ना उठाए। टू थ्री फोर फाइव आप जब पीछे से इसको देखेंगे तो आज जब भी बोल दिए साला दो सेट लगातार तो क्योंकि पहले से ही हमारा रेयर डेट थोड़ा थक चुका होता है, सो दो सेट्स भी काफ़ी हैं। अगर तीसरा सेट्स आपका डेट अलाउ करता हो तो आप करिए, अदरवाइज आप श्रक्स पे जाना है ठीक है। 5 kg से स्टार्ट हो, किसी सुना नहीं होगा बट ठीक है, आपको थोड़ा लीन होना है सामने एंड देन कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने। क्या है कि जब हम सीधे उठ करते हैं तो ये फ्रंट ऊपर जाता है, बट आपकी जो
ट्रैप्स हैं वो कुछ यू बन अब डायरेक्ट हम अपने वेट्स के साथ अलग अलग वेट पे चलते हैं और एक बार मैं स्टार्ट करूँगा 15 से क्योंकि जो मेरा मसल है वो तैयार है हैवी लिफ्ट करने के लिए सो अगेन जींस एंड देन फ्रंट लेफ्ट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 एंड देन थर्ड सेट हम स्टार्ट करेंगे अपना 25 केजीज के साथ क्योंकि मैं मेंस फिजिक में कॉम्पीट करने वाला हूँ सो मैं इसको 2 दिन रखने के लिए शोल्डर को क्योंकि जितना ही वेट आपके शोल्डर का ज़्यादा होगा उतने ही आपका जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है वो कम होगा मतलब आपका जो वेस्ट रेशियो है उतना कम होगा अपने शोल्डर से और मेंस फिजिक में बिल्कुल यही फिजिक चाहिए कि जो ऊपर का हिस्सा हो वो वाइडर होना चाहिए और नीचे का बिल्कुल भी पतला सो अभी पेट का वर्क मैंने आपको नहीं दिखा है एब्स मैं करने वाला हूँ कुछ वक्त बाद मैं आपको एब्स का भी वर्कआउट दिखाऊँ पेट उठाने का तरीका ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hold it and then slowly release. जो कि अपने डेल्स को आइसोलेट कर चुके हैं तो लास्ट में कुछ प्रेसेस कर लेंगे प्रेस मूवमेंट्स प्रेस मोमेंट में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना और ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं जाना आपके शोल्डर को कॉन्ट्रैक्ट करना आपको यही से सीखना 1, 2, 3, 4 and 12 ज़रूरी नहीं कि ये मशीन आपके जिम में हो सो आप डंबल प्रेसेस या फिर बारबेल प्रेसेस भी लगा सकते हैं सो इसको करने आपको फिर से एटलीस्ट 2 सेट्स आपको करने हैं 2 सेट्स आपके लिए काफ़ी है क्योंकि हमने बैक को भी ट्रेन कर रखा है तो मसल रिकवरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सो ऐसे ही स्टार्ट हो चुका है एक्सरसाइज हो चुका है कंप्लीट और हाँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन को दबाओगे तभी आपको इस चैनल की वीडियोस आपको दिखने वाली हैं सो जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और यूनिक एक्सरसाइज के साथ और पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ सो इस वीडियो को शेयर भी करें और एक और चीज़ ध्यान दें कि जब भी आप वीडियोस को देखें लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें क्योंकि वो एक चीज़ ऐसी है जो मुझे मोटिवेट करती है वीडियोस आगे बनाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूँ शेरू क्लासिक के लिए मेंस फिजिक के लिए सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बर्न एंड बिल साइनिंग ऑफ